कह रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे धौंस दिखा रही हो, हाँ? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? देखो, सुनो, प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। हेल्प? कैसी हेल्प? ये कैसी हेल्प है? हाँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने दो लड़कों को बातें करते हुए सुना था। वो तुम्हारी फोटो देख के ये बोल रहे थे कि वो तुम्हें छेड़ने आ रहे हैं, और तभी मुझे तुम दिख गई। बस उसी टाइम मैंने ये प्लान बनाया कि मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूं ताकि वो तुम्हें पहचान ना सके। अरे यार भाई, मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू फोन में लगा हुआ है, कर क्या रहा है फोन में? भाई मैं ना रंबल ऐप पे शॉपिंग कर रहा हूँ। रंबल? ये क्या है? अरे यार भाई, तुझे रंबल के बारे में नहीं पता? रंबल इंडिया की फर्स्ट सोशल गेमिंग ऐप है, और रंबल पे गेम्स खेल के तो अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की शॉपिंग भी कर सकता है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अच्छा, सिर्फ गेम्स खेल के शॉपिंग कर सकते हैं? हाँ, और इस पे एक दो नहीं, 100 से भी ज्यादा गेम्स हैं। हर गेम खेलने पर अलग अलग चैलेंजेस और प्राइजेस भी मिलते हैं। पर हम किस तरह के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं? भाई हर तरह के प्रोडक्ट की। रंबल पे हम किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक, मेकअप, महंगे सस्ते, हर प्रोडक्ट मिलते हैं रंबल पे। अरे वाह यार, ये तो बहुत सही ऐप है। हाँ भाई, तू वेट किस बात का कर रहा है? अभी रंबल ऐप डाउनलोड कर प्ले स्टोर से, और गेम्स खेल के अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर बिना पैसे खर्च किए। हाँ भाई, मैं अभी रंबल ऐप डाउनलोड करता हूँ, शॉपिंग भी करता हूँ। हाँ भाई। अच्छा सुन यार, ये लड़की देख, ये लड़की के पीछे ना मैं पिछले एक हफ्ते से हूँ भाई, रोज उसके पीछे जाता हूँ, पर ये है कि भाव ही नहीं देती है। आज तो मैंने ना मन बना लिया है कि इस लड़की को ना वहीं पे जाके छेड़ूंगा जहाँ पे ये रोज मुझे मिलती है। What rubbish! तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। तुमने ये सब जानबूझ के किया, पक्का किसी के साथ मस्ती की होगी तुमने। नहीं नहीं प्लीज, तो मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस enough is enough, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी तो कंप्लेंट करूंगी मैं पुलिस में। मेरी बात सुनो, पता नहीं कौन बेवकूफ लड़की थी, क्या हालत बना के चली गई, कल भी नहीं रही अच्छे से, खर्चा के साफ करना पड़ेगा। अरे ये तो वही लड़की लग रही है फोटो वाली, से इसका पीछा कर रहा था। आप फाइनली ये मेरे हाथ में चढ़ी गई, आएंगे मजे। ये लड़का कब से मेरे पीछे आ रहा है? अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? मैं कब से आपका पीछा कर रहा हूँ, सुबह से आपको ढूंढ ढूंढ के ना मेरे पाँव दर्द करने लग गए, और आप हो कि भागी चली जा रही हो। जरा हमारी बात भी सुन लो। कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? अरे मैडम, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, आप बताओ क्या दोगी? सैंडल है मेरे पास, निकाल के मारो मुँह पे। अबे आराम से बात कर रहा हूँ ना, और तू है कि अपनी हिंकड़ी दिखाई जा रही है। अब मैं बताता हूँ तुझे कि असल में ना प्यार कहते किसे। देखो, अरे हाँ, मैं भी सिखा दो कि प्यार की बातें कैसे होती हैं। पुलिस सर, क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ सर? मैं ना इस लड़की की दिल की आवाज सुन के यहाँ आ गया। क्यों, ऐसा ही है ना बेटा, तूने दिल से पुकारा था ना मुझे? हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और सर ये लड़का ना मुझे कब से छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं नहीं सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं तो इससे एड्रेस पूछने के लिए आया था। अच्छा अच्छा, तो बेटा एक काम करो, मैं ना तुझे पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताता हूँ, तू मुझे वहाँ छोड़ दे। क्या, पुलिस स्टेशन? यार ये पुलिस कहाँ से टपक गई, मुझे ये फालतू के झमेले में नहीं फंसना, अगर पुलिस ले गई तो काम खराब हो जाएगा। अरे क्या सोच रहा है बेटा, अरे मुझे छोड़ेगा पुलिस स्टेशन या नहीं? सर वो पुलिस स्टेशन ना यहाँ से। अरे रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? बाप रे बाप। अरे वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो रियल पुलिस वाले लग रहे हो। यार सच कहूँ ना, अंदर से मैं डरा हुआ था, कहीं उनको मेरी सच्चाई पता लग गई तो क्या होगा। अरे टेंशन नॉट पापा, मैंने ना ये देखो, मैंने ना उनकी वीडियो भी बना ली और फोटो भी ले ली, अब हम सच में जाके ना पुलिस स्टेशन में रियल पुलिस वालों को कंप्लेन करेंगे। वाह बेटा वाह, ये तूने अच्छा किया। आप लोग सच में मेरी मदद कर रहे थे, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तो तुम्हें खामखा थप्पड़ मार दिया और न जाने क्या कुछ सुना दिया। और अंकल सच में आपने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, अब छोटा सा रिस्क ना तुझे भी लेना पड़ेगा। रिस्क? कैसा रिस्क अंकल? रिस्क इस चीज का कि जो लड़का तुझे छेड़ रहा था, पुलिस स्टेशन जाके तुझे उसके खिलाफ FIR लिखानी होगी। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, अगर आज तुम अपनी आवाज दबा लोगी, उनके खिलाफ अगर आज अपनी आवाज नहीं ना उठाओगी, तो कल को वो फिर से लौट के वापस आएंगे,
और फिर तुम, मैं या हम जैसी कितनी लड़कियों को फिर से छेड़ेंगे, फिर से परेशान करेंगे। अंकल मैं वादा करती हूँ कि आज ही पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उस लड़के के खिलाफ FIR लिखवाऊंगी और मैं गवाही भी दूंगी, उसे तो पक्का जेल भी जाऊंगी अंकल मैं। थैंक यू अंकल। शाबाश बेटा। दोस्तों कई बार कोई इंसान आपके साथ बहुत अजीब बर्ताव करता है, हो सकता है उस वक्त वो आपको गलत लगे, पर जरूरी नहीं है कि उस इंसान की इंटेंशन उसके पीछे गलत हो। हो सकता है कि वो आपकी भलाई के लिए कर रहा हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।